रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप और हमें हमेशा और जिंदगी के हर एक लम्हात में खुशियां ही अता करें। और जनाब मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त मुबारक, आजादी मुबारक, और खूब इंजॉय करें इस दिन को, क्योंकि आज है हम सब मुसलमानों का आजादी का दिन। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जनाब मैंने अपना व्लॉग रेडी किया जस्ट 14 अगस्त के हवाले से, ताकि आप लोग भी मेरे व्लॉग को एंजॉय करें। और आज मैं अपना व्लॉग भी आपके साथ बनाते हुए खूब इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से आज 14 अगस्त है और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। खूब सारी हमने शॉपिंग भी की आज मेरे व्लॉग में, आपको सब शॉपिंग और सब कुछ देखने को मिलेगा। जी जनाब, आ गई हूँ मैं अब किचन में, और सबसे पहले मैं डिज़र्ट रेडी करूँगी। डिज़र्ट मेरा बहुत खूबसूरत और इजी होगा, और जब भी कोई खुशियाँ होती हैं ना, उसमें आपने डिज़र्ट को लाजमी याद रखना है, क्योंकि मीठे से ही पता लगता है कि आज खुशियों वाला दिन है। और जनाब मैं डिज़र्ट रेडी करने लगी हूँ, जल्दी से रेसिपी शेयर करूँगी। जस्ट मैंने 3 कप ले लिए हैं दूध के, इसमें चीनी ऐड कर दी है। अपने फ्लेवर के हिसाब से हमने इसमें मीठा ऐड करना है और खूब अच्छे से हमने चीनी को पका लेना है। इतने में जनाब मैंने ले लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून ही मैंने ले लिया है वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड ले लिया है, और इसको दूध में मिक्स करने लगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर जो होता है उसके भी 3 टेबलस्पून लेकर दूध में ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। दूध आपने गर्म यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल दूध यूज़ करना है। अगर आप दूध नहीं यूज़ करना चाहते, आप नॉर्मल पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल कॉर्नफ्लोर से आप डिज़र्ट रेडी कर रहे हैं, तो आप इलायची का फ्लेवर या वनीला फ्लेवर जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। खैर जनाब, मैंने इधर वनीला कस्टर्ड जो है वो यूज़ किया दूध में, और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे जो मैंने दूध पकने के लिए रखा था इसमें ऐड कर देंगे, और ये सिंपली जो हमारा कस्टर्ड होता है ना वो रेडी हो जाएगा। बट मैंने यही नहीं करना कि कस्टर्ड आपके सामने रेडी करके कहूँ जी मेरा मीठा रेडी हो गया, बट मैंने इसकी लुक जो आज के दिन के हिसाब से रेडी करूँगी ना, आप कहेंगे कमाल है। यकीन करें बड़ा ही खूबसूरत आज का मेरा डिज़र्ट रेडी होने वाला है, और माशाल्लाह से मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बेसिकली तो ये डिज़र्ट मैं जस्ट आप लोगों के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड है कि आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं शेयर करूँ और आप भी खूब इंजॉय करें। अच्छा जनाब, ये जो कस्टर्ड मैंने दूध में मिक्स किया था और इसे खूब अच्छे से पका लिया है, इसके अंदर जो कच्चापन था उसे मैंने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। अब इसे हमने इतना अच्छा पकाना है कि ये ज़रा थिक सा हो जाए और इसके अंदर से कच्चापन खत्म हो जाए। हल्का सा मैंने चम्मच हिलाया, इसमें से हीट कम की और इसे बाउल में डाल दिया। ये देखिए बाउल में रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है जनाब, मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा, इसे मैंने हाथ में ग्लव्स चढ़ाए और थोड़ा सा मैंने वो जो होता है ग्रीन फूड कलर वो इसमें ऐड किया और खूब अच्छे से मिक्सिंग की, तो ये सारा नारियल का बुरादा जो है ना ये ग्रीन कलर में हो गया, और ये ओरिजिनल कलर में जो नारियल का बुरादा होता है वो है। अच्छा जनाब, अब मैं सारी हाफ साइड से थोड़ी ज्यादा साइड पर मैंने ग्रीन नारियल का बुरादा जो है फैला देना, इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ नरम हाथों के साथ फैलाएंगे, बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। अब जो थोड़ी सी मैंने साइड बचाई थी इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर का नारियल का बुरादा जो है फैला दूंगी। और यकीन करिए डिजर्ट आप भी देखेंगे, आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है आपको ये आइडिया कैसा लगा। इसे हम मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं, बट एक माइंडली आइडिया मेरा बेसिकली मकसद था आपको एक माइंडली आइडिया देना। और इसके ऊपर जो चांद सितारा था वो भी मैंने नारियल के बुरादे से बना लिया, और ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितना जबरदस्त है। मैं तो इसे जनाब डबल लाइक कहूंगी, आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है आपको ये कैसा लगा। होप कि आपको भी मेरा आज का डिज़र्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, यकीन करें मुझे तो टू मच अच्छा लगा है। अच्छा जी जनाब, अब मैं आपको अपनी 14 अगस्त की शॉपिंग दिखा देती हूँ। एक्चुअली रात को मैं शॉपिंग करके आई थी, लेकिन आज मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जनाब गजरा था, और ये बाजू में पहनने के लिए, और ये प्यारा सा बैच है, ये भी 14 अगस्त के हवाले से। एक्चुअली हर एक चीज़ जो है ना वो 100-100 में आई है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। पहले तो होता था 30 में आती थी, फिर पिछले साल 50 में चीज़ें आई हैं, इस पर सारी चीज़ें जो है ना वो 100 में होगी। और ये जिप थी, बड़ी प्यारी जिप बनी है, गले में पहनने के लिए चेन है, बहुत प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह से मेरी बेटी ने पहनी। और ये झुमके यकीन करें मुझे बहुत प्यारे झुमके लगे, और 100 में थे। मैंने बहुत दुकानदार से बहस की कि जनाब सस्ते कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं किए, वो कहते पीछे से ही माल इतना ज़्यादा महंगा आ रहा है। खैर जनाब, और मैं आपको दिखाती हूँ ये जनाब रिंग्स मैंने ली थी, 2-3 रिंग्स ली थी, और रिंग्स इतनी नाजुक थी, बट 100-100 में थी। एक्चुअली दुकानदार को भी पता होता है कि जनाब 14 अगस्त है, चीज़ों को किसी सूरत में हमने लेस नहीं करना है और रेट टका कर लेना है। और सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी, आपने मुझे ज़रूर बताना। और ये फेस पर लगाने के लिए मास्क यानी आइज पर जो हम लगाते हैं, और जनाब ये बैंगल्स ग्रीन एंड वाइट कलर में, और जनाब आप ये देखिए जी बैच है, इसकी लाइट इसके अंदर चलती है, बड़ी प्यारी थी, जगमग जगमग करती है। एक्चुअली बच्चियां पहने, बड़े पहने, बच्चे पहने, बहुत इंजॉय करते हैं। मैं आपको जल्दी से इसकी लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैं लाइट एक्चुअली रूम की भी ऑन थी, मेरे मोबाइल की भी लाइट ऑन थी, बट नजर नहीं आ रहा था, मैं आपको रूम की लाइट बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह जी, यकीन करें बड़ी ज़बरदस्त है, इसके पीछे बटन था। और ये सारी शॉपिंग, और जनाब ये छोटा सा फ्लैग भी मैंने लिया था, ये कंधे पर लगाया ना शोल्डर पर, बहुत प्यारा छोटा सा फ्लैग लगता है। और ये जनाब मेरी बेटी का सूट है,
ये दुपट्टा है, नेट में मैंने दुपट्टा लिया था। और जनाब शर्ट में आपको दिखाती हूँ, शर्ट सिंपल प्रिंट में, यानी ये रेडीमेड मैंने शर्ट भी ले ली थी, दुपट्टा ट्राउजर हर एक चीज बाजार से हमने रेडीमेड ही ले ली थी, क्योंकि ये जो होता है ना एक दिन के ही सूट होते हैं, मतलब ये कि नॉर्मल लाइफ में हम पहने ना बहुत अजीब लगता है कि ऐसे हमने कपड़े पहने, इसीलिए मैंने सारी चीजें रेडीमेड ही ले ली थी। खैर आपने मुझे बताना है कि शॉपिंग कैसी लगी। और जनाब ये मेन चीज बाजा, ये कहेंगे बाजे के बगैर तो 14 अगस्त का पता ही नहीं लगता कि रौनकें लगी है कि नहीं लगी है। और जनाब ये सारी शॉपिंग, और यकीन करें मेरी बेटी ने भी बहुत ज्यादा उसे सारी शॉपिंग पसंद आई, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर शॉपिंग करके आई थी। और जनाब अब्दुल रहमान नहा धोकर अभी तैयार होकर खड़े हुए हैं, मॉर्निंग का फुल टाइम है, और तैयब साहब अभी नहाने गए हैं। तैयब साहब के कपड़े जो है ना रेडी हुए पड़े हुए टेबल पर, और तैयब की मैंने कुछ और भी चीजें ली थी और मैं आपको जल्दी से दिखा दूँ। ये तैयब का सूट है, और जनाब ये मैंने बच्चों के हैंड में पकड़ने के लिए छोटे छोटे क्यूट क्यूट से फ्लैग लिए हुए, और यकीन करें बहुत प्यारे लग रहे थे फ्लैग्स। और जनाब ये देखे बाजू में पहनने के लिए लड़कों के, और ये वॉच तैयब की है वॉच, और इसके अंदर भी लाइट चलती है, बहुत प्यारी तैयब की चीजें थी। और जनाब ये कैप्स हैं, यानी तैयब की और अब्दुल रहमान की। अयान जो है वो जनाब उठता ही 3-4 बजे, इसीलिए अयान का कुछ पता नहीं होता, अयान ने उठकर क्या करना, ये फेस के ऊपर पूरे पर मास्क। और जनाब ये सब बच्चों के बाजे आए थे, बाजों के बगैर यकीन करे गुजारा नहीं है। और मैं बच्चों को कह रही थी आ जाओ जल्दी से हम छत पर चलते हैं, इधर उधर देखते हैं क्या लाइफ में हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली तो ना ये देखे लाइट जो है ना, ये वॉच जो मैंने ली थी ना तैयब के लिए, इसके अंदर भी बहुत प्यारी लाइट चलती है। बेसिकली वो जो मेरी बेटी का बैच था, और ये मैंने एक ही शॉप से ली थी। अच्छा जनाब मैं कह रही थी कि ना अगर घर में बैठे रहे ना तैयार शार होकर पता ही नहीं लगता, तो ये है कि हम छत पर जाते हैं ना, छत पर भी हमारे बहुत ज्यादा रौनकें नजर आते हैं। तैयब नहाकर आ गया, बाजिया के साथ बाजा बजा रहा है और खूब इंजॉय कर रहा है। अच्छा मैं बच्चों को छत पर ले आई, और रात हमने सारी बैठ कर ना ये झंडियां लगाई हैं, एक दो लड़ियां मेरे बच्चों ने कल परसों लगा ली थी और झंडियां लगाई हैं, और सुबह उठे हैं तो हवा के प्रेशर से ना झंडियों की जो लड़ियां हैं ना नीचे गिर गई हैं। अच्छा बचपन से यही सीन देखते हैं कि झंडियां हम रात को लगाकर सोते हैं, मॉर्निंग में बारिश हो जाती है या हवा चल पड़ती है, सारा कुछ नीचे आ जाता है। और जनाब माशाल्लाह से मेरी बेटी भी तैयार श्यार हो गई है, ये देखिए जी माशाल्लाह से इसकी लुक, ग्रीन कलर है, इसने ब्रेसलेट हर एक चीज पहन ली है, और यकीन करें बहुत प्यारी इसकी सारी चीजें लग रही थी। आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना, इसकी हील्स वाली जूती तो मैंने खैर ईद पे ली थी, और माशाल्लाह से बच्चे भी तैयार शार होकर बाजे बजाने के लिए आ गए हैं छत पर, और यकीन करें इनकी रौनकें देखकर ना मजा आ गया। माशाल्लाह आप जरूर कहिएगा और खूब आप इस दिन को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और अगर आप नए हैं तो अभी मेरे चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरी हर न्यू वीडियो फौरन आप तक आ जाएगी। और जनाब अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे ब्लॉग्स को शेयर जरूर किया करें, और अगर आप लाइक करते हैं यकीन करें इससे मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है। और जनाब अब्दुल रहमान तो खुशी में ना भंगड़े डाल रहे हैं जी। जनाब ये पिज्जा जो है ना हमने रात को बनाया था, जब हमने झंडियां लगाकर छत से नीचे आए थे ना, यकीन करें हमें बड़ी शदीद किस्म की भूख लग रही थी और कोई टेस्टी सी चीज खाने को दिल कर रहा था, फिर हमने मिलकर ना जनाब ये पिज्जा बना लिया। एक्चुअली डो जो है ना ये पिज्जे की, ये तो मैंने माशाल्लाह से बनाकर ना फ्रिज में रखी होती है, एक दो दिन के बाद मैं बना लेती हूँ, माशाल्लाह से फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहती है। और ये जो चिकन वगैरह ये भी मैंने फ्रीज करके रखा होता है तो बड़ा ईजी हो जाता है। और तकरीबन मैं तो इतनी थकी थी मुझसे तो हिला नहीं जा रहा था, माशाल्लाह से मेरी बेटी ने पूरा पिज्जा रेडी किया और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी बना, बट बहुत टेस्टी पिज्जा बना था, यकीन करें इतना यमी और चीजी था। और होप कि आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखा करें, इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूंगी। और जनाब यह पिज्जा इतना यमी बना था ना कि क्या बताऊं, और जब भूख ज्यादा लगी होती है ना, चाहे जैसी भी चीज हो हर चीज बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, ये तो भूख की गारंटी है ना, बस जैसे ही आपको भूख लगी है हर चीज में आपको टेस्ट आएगा। और यकीन करें वाकई में पिज्जा बहुत ज्यादा यमी और टेस्टी था। जनाब झंडियां लगा के थके हारे थे, फिर हमने अपनी फेस वगैरह वॉश की और पिज्जा पहले खा लिया, फिर उसके बाद फ्रेश हुए। और पिज्जा खाने के दौरान जनाब हम मैं बच्चों के साथ मिलकर ना मोबाइल में मूवीज वगैरह देखने लगी, कार्टून वगैरह ही बच्चों के साथ देखने होते हैं और क्या देखना होता है, खैर मूवीज तो बस एक होता है ना कि मूवीज हम देख रहे थे, मुंह पे चढ़ावा कह लो ये लफ्ज है। खैर जनाब बहुत ही अच्छा आज का मेरा व्लॉग था, आपने मुझे जरूर कमेंट में बताना है आपको कैसा लगा, मैंने बहुत मेहनत से अपना पूरा व्लॉग आपके लिए रेडी किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।